Welcome to my channel Knowledge Point. Today, just I am going to proceed from the yesterday's topic and chapter 5 related to arithmetic progression, exercise 5.3. And it is from class 10th. Just today's first question before you. Question number 6. The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. How many terms are there and what is their sum if common difference is 9? Okay. So just let me start. What is given? क्या दिया है? First term let आप मान लो कि first term को क्या मानते हो? Let A be the first term and DB common difference of NAP. Okay, here A is equal to 17 and AN is equal to 350. It is the last term. Okay, it is given where AN is the last term. And also SN to be find and number of terms. Okay, these two are fine. First of all, हम क्या करेंगे? ये formula use करेंगे. SN equal to N by 2. Okay, A plus AN. This is one of the formula. Another formula AN के लिए है. A plus N minus 1 into D. अब यहाँ से देखते हैं कि ए एन क्या है. तो ए एन है 350. ए क्या है? तो ए है फर्स्ट टर्म जो मालूम नहीं है. ओके, ओ सॉरी, ए दिया है 70 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? डी कॉमन डिफरेंस इज हेयर 9. अब यहाँ से क्या करना है? 17 को राइट में, राइट से हटा के लेफ्ट में लाना है. एन माइनस 1 इंटू 9 एंड 3 एंड 3 3 बाय 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन आएगा. ओके, दिस वन यू. ओके, 333. दिस 9 वैल्यू, सॉरी, एन का वैल्यू कितना आ गया? 38. अब हमारे पास फाइंड करने के लिए एस एन है. एस एन होता है एन बाई 2 और ए प्लस ए एन. एन का मतलब 38 बाई 2 और ए है हमारे पास 17 और ए एन है 350. ये 19 इंटू 367 और 19 मल्टीप्लाई करना है. 367 विथ 19 मल्टीप्लाई करो. इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 6973. ओके, आंसर एन का वैल्यू एंड दिस वन आल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एन एपी जिसका कि डी कॉमन डिफरेंस 7 है एंड 22nd टर्म का वैल्यू 149. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन डिफरेंस के अलावे जो फर्स्ट टर्म होता है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी. यहाँ से आप डी इज इक्वल टू कितना है? 7 रखिए और एन इक्वल टू 22. वाई 22? यानी देखिए 22nd टर्म है
ऑल्सो ए एन कितना है 149। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए एन का रिप्लेस करेंगे वैल्यू, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है एन 22 माइनस वन 21 और इंटू डी 7। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147 यानी 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22nd टर्म। अब देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ये 2a प्लस एन माइनस 1d वैल्यू मालूम है एस 22। ओके 22 बाई टू, 2a के लिए वैल्यू आया है 2 प्लस 22 माइनस 1 और d कितना है 7, ये 11 हो गया। ये 2 2 जा 4 प्लस 21 7 जा 147, 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर दीजिए 151 1661 1661। ओके सो हेयर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 विद द सॉल्यूशन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आप करोगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अब ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरह का नहीं है, आप उसको पहले तो कंसीडर करो। कंसीडर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। ओके दिया है क्या आपको बताना है 51 टर्म्स का सम दिया है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ओके गिव हैं ए टू दैट इज 14 एंड ए थ्री दैट इज 18 एंड वी हैव टू फाइंड एस 51 दैट इज क्लियर। नाउ ए टू मीन्स ए प्लस D इक्वेशन फर्स्ट, ए थ्री मीन्स ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ए प्लस टू डी और माइनस ए माइनस डी, दैट मीन्स ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी इक्वल टू 18 माइनस 14 यहां से कैंसिल होकर के डी इज इक्वल टू आता है 4। नाउ वी हैव फाउंड वैल्यू ऑफ डी। अब हम ए का वैल्यू आप रिप्लेस करो, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस डी दैट मीन्स ए प्लस 4 इक्वल टू 14। सो ए कितना आ गया 14 माइनस 4 यानी 10। हमारे पास एस एन सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, वी नो एस एन क्या होता है एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, हेयर n कहता है 51, तो s 51 इक्वल टू 51 बाई टू, टू ए के लिए कितना आया है 40, सॉरी a के लिए 10 प्लस
51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी 4, ये हो गया 51 बाय 2, इधर 20 प्लस 200, यानी 51 बाय 2 इंटू 220, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है क्लियर हो गया 5610, ये आंसर आ गया 51 टर्म्स का सम गिवन एपी का। लेटर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं बल्कि नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 49 एंड सम ऑफ द सेम एपी ऑफ द 17 टर्म्स इज इतना 289, फाइंड द एंड टर्म्स। देखिए, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ओके, अब हमारे पास क्या है कि एस सेवन दिया है कितना 49 एंड और क्या दिया है S17 इक्वल टू 289 एंड व्हाट आर टू फाउंड एंटर एस एन फाइंड करना है। तो फ्रॉम दिस हम स्टार्ट करते हैं, तो एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब यहाँ से S7 दैट मीन्स देखिए S7 49, यहाँ हो गया 7 बाय 2 और 2 ए तो मालूम नहीं, प्लस 7 माइनस 1 6 डी। ओके, अब देखिए यहाँ से 49 इंटू 2 बाय 7 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, ए प्लस 3 डी, ये 2 से 2 कट गया और 7 7 जा, इस तरह हमारे पास a प्लस 3d का वैल्यू कितना आया 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखिए अब s जो है 17 सिमिलरली क्या हो जाएगा, S17 जो है हो जाएगा 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 का वैल्यू है 289 इंटू 2 बाई 17 और इज इक्वल टू यहाँ से 2a प्लस 16d। ओके, या 34 और बाय इज इक्वल टू 2a प्लस 8d, 217 जा, यहाँ आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, a प्लस 8d 17 एंड a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये कैंसिल, 8 में 3 गया तो 5d 10, तो d इज इक्वल टू 10 बाई 5 2, हमारे पास जो है d फाइंड हुआ। अब a फाइंड करेंगे, तो a जो है वो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट है a प्लस 3d, ए प्लस 3 इंटू डी यानी 3 टू जा 6 इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब हमारे पास है फाइंड करना एस एन, जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला ऑफ एस एन क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए एस एन इक्वल्स टू n का वैल्यू n ही रहेगा और 2a, a मीन्स 2 1 जा 2 प्लस
एन माइनस वन और डी का वैल्यू क्या आया टू। यहां देखिए एन बाई टू, यहां टू प्लस टू एन माइनस टू, एन बाई टू इंटू टू एन। इस तरह से हमारा सम ऑफ एंथ टर्म का वैल्यू क्या आ गया एन स्क्वायर। लेटर जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर टेन है, बताता है सो दैट ए वन, ये वन सब स्क्रिप्ट है यानी फर्स्ट टर्म को रिलेट करता है, ये सेकेंड टर्म को रिलेट करता है, ये एंथ टर्म को रिलेट करता है, किसी एपी का है, एन इज डिफाइंड। अब देखिए एन में ए वन का वैल्यू रिप्लेसिंग, यहाँ लिखिए रिप्लेसिंग, ओके एन इक्वल टू आप वन रखिए, टू रखिए, थ्री रखिए, ओके और एन रखिए, तो वी हैव क्या आता है, वी हैव आता है ए वन इक्वल टू फोर वन या फोर थ्री सेवन, ए टू क्या आता है थ्री प्लस फोर टू जाए एलेवन, ए थ्री क्या आता है फोर थ्री जाए ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन, ओके और एन क्या आता है एन दैट मीन्स तो दिया ही है एन थ्री प्लस फोर है। अब हमारे पास क्या है फाइंड करना, कह रहा है कि वेयर एन इज डिफाइंड दिस वन, तो ए एन इतना ए इतना, तो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। अब इट मीन्स कि हमारे पास में एन का वैल्यू 15 है, तो ये ए एन ए 15 आप निकालो, 3 प्लस 4 इंटू 15, तो 15 फोर जा 63 आ जाए। अब हमारे पास एस 15 निकालना है, जैसा कि जानते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, यहाँ पर एन एस 15, एन का वैल्यू देखिए 15 है, 15 बाई टू, ए का वैल्यू ए वन मतलब 7 और ये 63, तो 15 बाई टू इंटू 70, ये हमारे जो है 10 के फर्स्ट का आंसर आ गया। अगेन सॉल्यूशन ऑफ 10 सेकेंड, ओके 10 सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर n डिफाइंड है, n इक्वल टू 9 माइनस 5 है, ओके तो रिप्लेसिंग n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, वी हैव क्या आएगा देखिए a1 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, यानी a1 का मतलब 9 माइनस 5 1 जा 5 4, 5 2 जा 10, यानी ए टू आ गया 9 में से 10 माइनस 1, ए थ्री क्या आ गया 5 3 जा 15 यानी माइनस 6। इस तरह से आप क्रमवार जो है बढ़ते जाओगे, ए एन आ जाएगा दैट इज 9 माइनस 5 एन, ओके 5 एन दैट मीन्स 5 एन ही रखना है। अभी ए 15 टर्म्स का सम कह रहा निकालने के लिए, तो ए 15 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 15, 9 माइनस 75 माइनस 66। अब हमारे पास में एस 15 इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो एस 15 का मतलब एस एन जो है हमारे पास में क्या होता है, फार्मूला है एन बाई टू टू ए प्लस, सॉरी इसको छोटे फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए एन से आ जाएगा, तो एस 15 रिप्लेस करेंगे एन को 15 से, तो 15 बाई टू, यहाँ ए वन यानी ए हो गया 4 और प्लस माइनस 66, तो क्या आ गया 15 बाई टू इंटू माइनस 62, ये माइनस 66 में से 4 गया तो माइनस 62। अब यहाँ 15 और 31 को मल्टीप्लाई करना है, ये कुल मिलाकर कितना आ गया माइनस 465 प्रोडक्ट। सो जस्ट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8, देन 9, देन टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझाते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर,
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म को देखे एफ वन से जो है डिनोट किया है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म ऑल्सो आंसर. अब देखिए कि ये जो आपको दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये सम ऑफ n टर्म्स. ओके, आप मान लो लेट a एंड d b द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ n a p. जो भी ए पी दिया है, जिस ए पी का हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, उसके फर्स्ट टर्म को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया. तो यहां से हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला है, वी हैव एस एन होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन. ये यहां जरूरत नहीं है. यहाँ दिया है एस एन इज इक्वल टू फोर एन माइनस एन स्क्वायर. ये डिफाइंड है, डिफाइंड फ्रॉम क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन से डिफाइंड है. अब यहाँ हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल एस वन कह रहा है निकाल. देखिए फर्स्ट टर्म एस वन, तो एस वन एक टर्म का सम का मतलब हुआ कि दैट इज द पार्टिकुलर टर्म फर्स्ट टर्म. तो एस वन इक्वल टू हो गया फोर इंटू वन माइनस वन स्क्वायर, यानी फोर वन जा फोर में से वन गया तो थ्री. यही ए हो गया, दैट इज द फर्स्ट टर्म एस वन. ओके, अब है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. अब देखिए एस टू, तो एस टू क्या हो जाएगा, फोर इंटू टू एस टू फोर इंटू टू माइनस टू स्क्वायर, यानी एट माइनस फोर, यानी फोर. चलिए अब फिर कह रहा है आपको व्हाट इज द सेकेंड टर्म. ओके, तो सेकेंड टर्म देखिए आप एस टू में से एस वन अगर आप माइनस करोगे, ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस डी. अब ए प्लस डी में से अगर ए माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. ओके, तो हेयर जो एस टू माइनस एस वन है, सॉरी ये मिस्टेक, ए प्लस ए टू हो जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स ए प्लस ए टू. ओके, तो एस टू माइनस एस वन क्या आ जाएगा, देखिए एस टू ए प्लस ए टू में से ए वन माइनस हो जाएगा, दिस ए, तो ए टू बच जाएगा. दैट मीन्स देखिए क्या कि अगर एस टू में से एस वन माइनस किया, यानी ए प्लस ए टू माइनस ए, जो a2 आया, दैट मीन्स a2 का मतलब हो गया क्या कि आपका जो s2 है 4 और माइनस यहाँ क्या 3 आया. अब हमारे पास क्या क्या है, दैट इज देखिए a इज इक्वल टू आ गया है, a इज इक्वल टू 3 और a2 इज इक्वल टू आ गया है 1. तो कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा, d इक्वल टू ए टू माइनस ए, तो दैट मीन्स कि 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, कॉमन डिफरेंस भी हमारा आ गया. कहता है कि फाइंड द थर्ड टर्म टेंथ टर्म. अच्छा चलिए, थर्ड टर्म मीन्स क्या हो गया, देखिए थर्ड टर्म a3 मतलब क्या हो जाएगा, s3 माइनस s2, तो S3 आप निकालो, S3 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2. S2 का मतलब तो फाइंड आउट किया हुआ है, S2 S2 का मतलब ये 4, दैट इज 4. तो 4 3 जै 12 और 3 3 जै 9, 12 में से 9 गया 3 माइनस 4, दैट इज माइनस 1. ओके, तो हमारे पास में a3 आ गया माइनस वन. इसी तरह से कहता है कि थर्ड टर्म टेंथ टर्म, तो अब a10 यानी कि s10 माइनस s9,
तो एस टेन का मतलब हो गया 4 × 10² और माइनस एस नाइन सॉरी इंटू 10² ये हो गया एस टेन और माइनस एस नाइन यानी 4 × 9 − 9² ओके 4 × 9 − 9² और यहाँ क्या आएगा देखिए 40 − 100 जो −60 ये 4 × 9 = 36 −81 अब यहाँ से निकालिए ये −60 और माइनस ये क्या आएगा माइनस में ही आएगा 11 में 6 गया 5 और 7 में 3 गया 4 यानी −60 और +45 यानी ये आ गया −50 हमारे पास में जो भी था देखिए सेकेंड टर्म था उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया थर्ड टर्म था उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया टेंथ टर्म था उसका वैल्यू फाइंड कर लिया अब nth टर्म है तो nth टर्म का मतलब क्या हुआ an का मतलब हो गया sn माइनस सिमिलरली कह रहा है और sn माइनस वन एक पहले वाले जो है टर्म तक का सम और nth टर्म तक का सम ये हो गया आपका 4n − n² और माइनस ये आ गया आपका 4n − 1 − n − 1² सॉल्व करेंगे ये 4n − n² ये आएगा 4n − 4 − n² a − b² क्या होता है a² − 2ab + b² तो a² और −2ab जो प्लस हो जाएगा +2n और ये हो जाएगा −1 अब इसको सॉल्व करते हैं ये आएगा 4n − n² −4n और देखिए ये −4 − 1 तो −−5 और +5 हो जाएगा और फिर +n² ओके 4n + 2n यानी ये 6n क्या आ जाएगा ये 6n अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया अब देखिए 4n में से 6n गया तो −2n तो 5 − 2n इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया ए एन के लिए आ गया जो वैल्यू था और ए थ्री आ गया दिस इज वन ऑफ द आंसर ओके और सेकेंड टर्म ए टू दैट इज सेकेंड टर्म दिस वन आंसर ऑल्सो वन ऑफ द आंसर एंड दिस सॉल्यूशन इज नाउ कंप्लीटेड अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 यानी 6 का टेबल है जो 40 तक पढ़ना है तो आपका क्या हो जाएगा 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर कौन कौन सा आएगा देखिए 6 का टेबल एक आएगा 6 उससे ऊपर आएगा 12 उससे ऊपर आएगा 18 और कहता है कि 40 तो यानी 200 लास्ट में आएगा 40 अब यहाँ पर हमारे पास में इसको फाइंड करने का है कि कितना सम होगा तो यहाँ से ये एपी में है दिस फॉर्म एन एपी अब यहाँ ए क्या है ए 6 है डी हो गया 12 में 6 गया तो 6 और ए एन कितना है 240 फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमको एस एन तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा इसमें कहीं एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन ओके तो एस एन देखिए एस एन का मत ये 40 टर्म्स का सम निकालना है तो एस 40 इक्वल टू 40/2 ए के लिए यहाँ 6 डालना है और ये 240 वेरी सिंपल तरीका यूज करेंगे ये आ गया 20 और ये 246 ये आ गया 0 2 6 = 12 2 4 = 8 19 2 2 = 4 इस तरह से बहुत ही छोटे फॉर्म में हमने इसको सॉल्यूशन को जो है सॉल्व कर दिया अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8
तो जस्ट लाइक इसी तरह का है कि 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ओके फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या हो जाएगा 8 का टेबल 8 8 टू जा 16 8 3 जा 24 अप टू क्या है 15 तक तो 15 8 जा 120 अब ये दिस फॉर्म एन एपी दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी एक एपी फॉर्म कर रहा है विथ फर्स्ट टर्म इसका दिख रहा है a इज इक्वल टू 8 कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इट इज 8 एंड a यानी a 15 ये आ गया 120 अब यहां पर सम फाइंड करना है तो sn क्या होता है n बाई 2 a प्लस an हमारे पास सभी मालूम है s 15 का वैल्यू फाइंड करना है 15 बाई 2 a के लिए 8 और an के लिए 120 तो 15 बाई 2 इंटू 128 2 से 64 अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 15 4 जा 60 अब 56 जा 96 बहुत छोटे शॉर्टकट में आ गया हमारा यह सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी एक डिजाइनिंग में है ये तीनों आपका बट ये डिफरेंट था थोड़ा सा। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन तो आप जैसा कि जानते हो कि ऑड नंबर क्या होता है स्टार्ट होता है 1 से तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 2-2 का जो है डिफरेंस लेकर के यानी एपी में होगा ऑड नंबर का जो सीरीज होता है वो एपी में होता है। तो आप देखिए 50 के अंदर तक आपको ऑड नंबर्स लेना है तो ऑड नंबर्स ओके बिटवीन 0 and 50 हाँ कौन कौन सा आएगा 1 आएगा उसके बाद 2 छोड़ करके 3, 5 up to 49 अब इसके सम फाइंड करने हैं तो हेयर लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है हेयर लिस्ट ऑफ नंबर्स इन एपी अब एपी में है कैसे हेयर a इज इक्वल टू 1 है और कॉमन डिफरेंस दैट इज d से रिप्रेजेंट करो तो 3 में से 1 गया और an क्या है an है 49 तो n फाइंड करना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d यानी 49 1 प्लस n माइनस 1 और d क्या है d इज इक्वल टू 2 देखिए ये 1 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा 48 और बाय 2 कर दीजिए ये और प्लस 1 इक्वल टू n तो ये 25 हो जाएगा n का वैल्यू 25। अब हमें क्या फाइंड करना है सम तो यहीं पर हम सम भी फाइंड कर देते। देखिए एस एन क्या होता है एस एन होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन अब हमारे पास में क्या है एस 25 फाइंड करना है एन का 25 आ गया वैल्यू बाई टू ए जहां तक है 1 और प्लस 49 तो ये 25 बाई टू और इंटू 50 25 से 25 मल्टीप्लाई किया 625। सो स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द फोर क्वेश्चंस 11 12 13 एंड 14। स्टूडेंट्स जस्ट कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 6 टू 14 इन दिस वीडियो एंड व्हाट आई कंसीडर्ड दैट video should be shorter for making it comfortable for the students. That's why I'm stopping the problem solution till 14 of the exercise 5.3 and the remaining
portions will be given in the next video. Just I hope you will enjoy after watching this video, and will be more comfortable for the students, likely to be given step by step that may improve the students. You are cooperating, that's why I am also cooperating to you, and thanks for watching. Thank you. Have a nice day.